ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने सोमवार को राजस्थान के बारा में ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। ईआरसीपी जन जागरण अभियान के तहत आयोजित जनसभा में मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि राजस्थान से भाजपा के 25 सांसद है और मोदी सरकार में कई केंद्रीय मंत्री है। जनता ने भाजपा सांसदों को चुनकर संसद भेजा, मगर यह भाजपा सांसद राजस्थान को न पैसे दिला पाए और न ही पानी। पीएम मोदी ही नहीं बल्कि भाजपा के 25 सांसदों ने भी राजस्थान की जनता को धोखा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जमकर तारीफ की। जनसभा को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि वह सिंचाई योजना के लिए पैसे देंगे, लेकिन आज तक उसका पता नहीं है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार खुद 25,000 करोड़ रुपए खर्च कर इस परियोजना को आगे बढ़ा रही है, मगर मोदी सरकार ने इसके लिए पैसे नहीं दिए। राजस्थान में पानी की समस्या है, लेकिन ऐसी योजनाओं में भी मोदी सरकार मदद नहीं करती। राजस्थान से भाजपा के 25 सांसद है और मोदी सरकार में कई केंद्रीय मंत्री है। जनता ने जिन सांसदों को चुनकर भेजा वो भी राजस्थान को न पैसे दिला पाए और न ही पानी। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के लिए मनरेगा का पैसा भी राज्य को नहीं दे रही है। राजस्थान को कांग्रेस सरकार ने आर्थिक, सामाजिक, शिक्षण और आरोग्य की दृष्टि से आगे बढ़ाया है। गरीबों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनेक कदम उठाए हैं। ये सब कुछ जनता के लिए किया गया है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने 21 लाख किसानों का 16,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है। कांग्रेस सरकार ने स्वास्थ्य का अधिकार दिया। राजस्थान में कई लोगों को पैसे की कमी के कारण इलाज कराने में परेशानी होती थी। कांग्रेस सरकार उनके लिए चिरंजीवी योजना लेकर आई, जिसके तहत 25 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होगा। इसके साथ ही लाल डायरी के मुद्दे पर मल्लिका अर्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी जी आके एक भाषण किए थे यहाँ पर, उन्होंने क्या कहा था कि भाई यहाँ पर लाल डायरी मिली है और लाल डायरी मिली है उसमें क्या क्या घोटाला है मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा साहब वो लाल डायरी में क्या लिखा है आपको मालूम? लाल डायरी में लिखा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। उस डायरी में लिखा है फिर से कांग्रेस आएगी। तो अगर चाहते हैं तो वो लेके जाओ। देखो और एक बार, अरे जो काम हम कर रहे हैं उस काम को देखिए। तुम्हारी लाल डायरी है, पीली डायरी है, काली डायरी है, वो लेके क्या करते? हमने जो काम किया उधर देखो, लेकिन उसकी टीका तो आप नहीं कर सकते। और लोगों से ये कहा आपने कि देखिए ये सरकार जो काम कर रही है और हमारे अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम हो रहा है, इसको कितना मार्क्स देना। मैं तो 0 मार्क्स देता हूं, ऐसा मोदी सामने बोला। मैं पूछता हूं 0 मार्क आप दे रहे हैं क्या इसके लिए दे रहे हैं कि किसानों को जो हमने फायदा पहुंचाया, उनका कर्ज माफ किया, इसीलिए आप 0 मार्क देना चाहते हो? पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।